हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज की जो वीडियो है वो है गैस गीजर की। इसमें प्रॉब्लम यह आ चुकी है कि जो गर्म पानी है, जहाँ पर ये नल है गर्म पानी वाला, तो जहाँ पर गर्म पानी बहुत कम आ रहा है, जो इसकी पाइप होती है गीजर के अंदर लगी हुई गर्म पानी को गर्म करने के लिए पानी को, वो बंद हो चुकी है। और अगर जहाँ पर जो गर्म पानी पूरा नहीं आएगा तो आपका गीजर ऑन नहीं होगा। तो एक तो यह है, दूसरा इस गीजर में जितना भी पार्ट्स लगे हैं, जो भी पार्ट्स है, उसकी क्या क्या कार्य प्रणाली है, वो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि यह काम कैसे करता है और आप इसकी सर्विस खुद कर सकते हो अपने घर पर, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा आपको टूल वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक पेचकस और एक प्लास, बस दो आपके पास ये सामान होंगे, दो टूल होंगे, तो आप इससे जो सर्विस है, रिपेयर है, कर सकते हो। तो यह देखें, पहले ये है इसकी बैटरी, जिसमें कि दो सेल लगते हैं, जो कि हम पहले रेडियो में यूज करते थे, बड़े वाले सेल, ये वो सेल है। और ये जितना भी गीजर है, ये 3 वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। ये जितना भी गीजर है, इसका सिस्टम है, यह 3 वोल्ट पर ही ऑपरेट होता है। तो उससे आगे ये है बैटरी सेक्शन, इसको बोल देंगे हम, बैटरी बैंक भी बोल सकते हो। ये इसकी जो वायर है, और जहाँ पर इनलेट और जहाँ पर हॉट वाटर और जहाँ पर गैस का कनेक्शन दिया जाता है, जो सिलेंडर से देते हैं, तो यह 3 पॉइंट हैं इसके, ठंडे पानी का, गर्म पानी का और गैस का। यह इसकी स्विच है पानी का प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए, यह स्विच लगाई गई है एक, इसका कंट्रोल बोल देंगे हम इसको, पानी का कंट्रोल। और ये पानी यहाँ से जाता हुआ, ये पाइप देख रहे हो आप, ये कॉपर की पाइप है, तांबे की पाइप है, जो एसी में यूज होती है, ये वो पाइप है। और इसके ऊपर एक, जैसे हमारी गाड़ियों में रेडिएटर है, इस तरह से कुछ रेडिएटर की तरह बना हुआ है, जिस पर के जो बर्नर में आग जलती है तो वो सीधी वहाँ पर आती है। उसके बाद ये है लाइटर और कंट्रोलर, ये जो डिब्बी है इसमें लाइटर है, क्योंकि जैसे ही एलपीजी गैस यहाँ पर आती है तो यह स्पार्क होता है, कुछ 1 सेकंड के लिए जहाँ पर स्पार्क होता है, स्पार्क होने पर यह आग पकड़ लेता है, तो ये लाइटर है। और साथ में ही ये गैस को जो रोकने के लिए एसवी वाल्व है, एसवी वाल्व, इसको रोकने के लिए यही कंट्रोलर काम करता है। और यही इसमें एक मैग्नेट सेंसर होता है, जो जिससे ऑन होता है ये, और एक एलईडी है, जो कि जितने टाइम जो आपका लाइटर जलेगा उतनी टाइम एलईडी ग्लो होगा। और एक ये है जो गर्म पानी वाला पाइप है, कनेक्शन है, उसके ऊपर लगा होता है थर्मिस्टर, के ज़्यादा पानी हीट ना हो बहुत ज़्यादा, तो अगर बहुत ज़्यादा पानी हीट होगा तो आपका ये कंट्रोलर कट कर देगा, गीजर को बंद कर देगा, गैस मिलनी उसको बंद हो जाएगी, क्योंकि इस ये अगर ना लगाया जाए तो आपके गीजर को आग लग सकती है। ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है थर्मिस्टर। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी आने लगता है, तो उस वक्त ये कट करवा देता है। और ये है इसका गैस के लिए जो कंट्रोल, ये स्विच। और मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, जहाँ से गैस एन हम देते हैं, और उसके बाद एसवी वाल्व, और उसके बाद गैस कंट्रोल, जितना हमको पानी गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, उस हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक मैंने अभी आपको बोला मैग्नेट स्विच, ये मैग्नेट स्विच जो है, ये जहाँ पर हम पानी एन देते हैं, इसको एनलेट है, जहाँ पर पानी का ठंडा पानी देते हैं, वहाँ पर ये
छोटा सा पाइप का टुकड़ा होता है दिखने में, पर असल में इसमें एक मैग्नेट होता है छोटा सा। इसमें एक छोटा सा मैग्नेट है जो इसके बीच रहेगा। तो जैसे ही पानी का फ्लो होगा आगे की तरफ, तो ये ऊपर को जाएगा। जिस तरफ आपकी ये स्विच है पानी कंट्रोल की, इस तरफ जाएगा। और उससे आगे जैसे ही जाएगा, तो वहाँ पर ये सेंसर लगाया गया है मैग्नेट वाला। तो ये जो सेंसर है ये ऑन हो जाएगा, और ऑन होते ही आपका जो गीजर है वो स्टार्ट होगा। ये कुछ सेकंड के लिए होता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कंट्रोलर है उस वो इसी तरह बनाया गया है कि ये कुछ सेकंड के लिए ही आपका जो लाइटर है वो ऑन होगा, और बाकी जो रिले है वो भी ऑन हो जाएगी ताकि गैस आगे मिलने लगे। और ये है इसका जो जहाँ पर आग जलती है चूल्हा, या बर्नर बोल देंगे हम इसको। ये तीन बर्नर लगे हुए हैं जहाँ पर आग चलती है। ये तीन बर्नर है, एक ये देखो दो दो का बना हुआ है सेट, एक का टोटल छः है। छः में से दो दो को बनाकर तीन बनेंगे। तो इसकी ये ऊपर एक नॉब देख रहे हो, ये है इसका जो लाइटर जहाँ पर स्पार्क देता है आग लगने के लिए, जहाँ पर ये लाइटर है। और ये है इसकी बर्नर को कंट्रोल करने के लिए, आपने एक जलाना हो, दो जलाना हो, या तीनों जलाने हो, बर्नर इसके लिए है। क्योंकि कई बार हमने पानी ज़्यादा गर्म चाहिए हमें, और कई बार पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, तो उस टाइम आप बर्नर से कंट्रोल कर सकते हो, एक दो या तीन वो आप अपने हिसाब से जला सकते हो बर्नर के कितने जलाने हैं। अब उसके बाद आता है इसके जो पाइप जहाँ पर पानी गर्म होता है, तो ये एक तरह का रेडिएटर बोलेंगे हम इसको, जैसा कि गाड़ियों में लगा होता है, या कूलिंग कोयल जो होती है इसकी एसी की, तो ये हीटिंग कोयल बोलेंगे हम इसको, क्योंकि कोयल की तरह ये गोल गोल लपेटा गया है। तो इस तरह से मैं दिखाता हूँ अभी आपको, पाइप वही एसी वाले लगते हैं, कॉपर के पाइप हैं। और जहाँ पर जो मैंने दिखाया कि बर्नर है, वो आग जहाँ पर जलती है, तो आग जलने के कारण ये चार्ज फिर से बंद है, तो आग इसके बीच बीच ही रहती है। तो इसके बीच रहने के कारण पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम अपना टूटी को खोलते हैं तो तुरंत ही हमें पानी गर्म मिलने लगता है। इसका कारण यही है कि ये एक तरह का कोयल बनाया है, और जितनी भी आग है इसके बीच बीच ही रहती है। आपने देखा होगा कि जो आपका बाहर का कवर है गीजर का, वो कभी गर्म नहीं होगा। इसका कारण यही है कि जितना भी आपका ये हीट है जो बीच ही रहेगी इसकी। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा काम आपने सावधानी से करना, क्योंकि पाइप बहुत नाजुक होते हैं। ये देखो चार्ज फिर इसके जो कोयल बना हुआ है। अब जो पानी कम आने का कारण है वो यही है कि ये जो कोयल है ये बंद हो चुका है, ये जो कोयल है ये बंद हो चुका है। इसे खोलने के लिए आपको एक वायर की ज़रूरत होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, जो स्टील वायर बोलते हैं जिसको, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम करते हैं उनके पास मिल जाएगी। और उससे पहले आपको लून का तेजाब कम से कम 50 ml, ज़्यादा नहीं 50 ml इसमें डाल देना है। और ये एसिड आपको 10 रुपए की ये बोतल मिल जाएगी, किसी भी करियाने वाली दुकान से मिल जाती है। और ये एसिड कोई ख़तरनाक एसिड नहीं है, आप अगर इसे हाथ लगाओगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा इसका। ये देखें अभी मैं इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 50 ml मैं डालूँगा। और ये बाहर को आ रहा है, ये देखें ये अपना काम कर रहा है, देख रहे हो आप कि एसिड बाहर को आ रहा है। और उसके बाद आप जो स्टील वायर है इसमें डालकर उसे हिला दो, हिलाकर जो अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर छोरा होगा तो वो साफ हो जाएगा।
तो हमारा ये वाला जो कोयल था वो ये कोई ज़्यादा बंद नहीं था, क्योंकि इससे काफ़ी पानी निकल रहा है। बस यही है कि ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद जब कम से कम आधे घंटे बाद इसको हम पानी से साफ़ कर देंगे। आधा घंटा ऐसे ही पड़ा रहेगा ये, क्योंकि जितना ये काम है, जितना इसने सफाई करनी है वो कर देगा। ये देखिए उस दूसरी तरफ से येलो कलर का एसिड निकल रहा है। तो उसके बाद हम टूटी के आगे लगाकर इसको साफ़ कर देंगे। और जहाँ पर ये देखें, ये कॉपर कितना साफ़ हो चुका है, जहाँ पर काला है और जहाँ पर साफ़ है। इसका कारण यही है कि जहाँ पर एसिड मेरे से जब मैं इसमें डाल रहा था तो बाहर थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, तो वह गिरने के कारण ये साफ़ हो गया। तो जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिसके पैप के बीच में ये गया है, तो वहाँ पर तो ये साफ़ होना ही होना है। ये देखें जो आउटपुट है हमारी वो सही निकल रही है। बाकी दोस्तों अगली वीडियो में इसकी फिटिंग वगैरह जिस तरह भी हम एडजस्ट करेंगे इसको वो दिखाएंगे।